Rocky, and in this session I'm going to tell you some of the basic tips regarding how to write emails. How that means how you will be writing a proper subject line, how you will give a proper salutation mark, and how you will end your letter by giving a proper complimentary clause. Okay, so let's see about the email writings over here. See, first of all, in this context too, you will be writing the email address of a particular organization. आपको यहाँ पर एक particular organization का या फिर email आप किस person को भेज रहे हैं उस person का email address you will be writing over here. ठीक है, to which you are sending your email. Second, coming to the subject. Subject के अंदर आप proper subject matter लिखेंगे. It should be very much specified. वो बिल्कुल specify होना चाहिए और to the point होना चाहिए. अगर आप incomplete subject matter लिखते हैं तो जो person जिसके पास ये email जा रहा है वो बहुत confused हो जाएगा कि आपने किस matter के according मुझे ये email भेजा है. ठीक है, so अगर आप सिर्फ application लिखते हैं subject के अंदर तो ये गलत है, it is incomplete. ठीक है, because the person do not know which application you have applied for. ओके, अगर आप सिंपल इंक्वायरी लिखते हैं, अगर सिर्फ एक ही शब्द लिखते हैं आप इंक्वायरी, तो भी ये गलत है, इट इज इनकम्प्लीट, बिकॉज द पर्सन डू नॉट नो, उसको नहीं पता कि किस चीज की इंक्वायरी आप करना चाहते हैं. थर्ड, अगर सिंपल क्वेश्चन लिखते हो आप, ओनली अ वर्ड क्वेश्चन आप लिखते हो, तो भी उस पर्सन को कंफ्यूजन होगा कि किस तरह का क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं. थर्ड, कंप्लेन. सो दिस कंप्लेन वर्ड इज ऑल्सो एन इनकम्प्लीट सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि जिसके पास भी ये ईमेल जाएगा उसको नहीं पता कि किस चीज की कंप्लेंट आप मुझसे कर रहे हैं. सो यू शुड बी वेरी मच स्पेसिफाई, यू शुड बी टू द पॉइंट व्हाइल राइटिंग द सब्जेक्ट. ओके, सो इफ यू आर राइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, इट इज वेरी मच स्पेसिफाइड एंड एप्रोप्रिएट, बिल्कुल स्पेसिफाई है और एप्रोप्रिएट है. If you are writing inquiry about the Philips juicer, so it is also appropriate and to the point. That means you want आप inquiry करना चाहते हैं किससे related? Philips juicer से related. Coming to the next one, questions. Questions regarding Vista program. That means आप questions पूछना चाहते हैं Vista program के regarding जो एक IT company organize करती है. Okay. Now the fourth thing, complaint for the BSNL broadband connection. आपको कंप्लेन करनी है अबाउट द बीएसएनएल ब्रॉडबैंड कनेक्शन. सो दीज आर द एप्रोप्रिएट एंड कंप्लीट सब्जेक्ट लाइंस, अ गुड सब्जेक्ट लाइन. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज सैल्यूटेशन मार्क. सैल्यूटेशन मार्क मतलब ग्रीटिंग, आप किसी को ग्रीट कर रहे हैं. ओके, सो इफ यू आर सेइंग डियर सर, डियर मैम, मिस्टर, मिसेज और मिस, सो दिस इज अ फॉर्मल सैल्यूटेशन मार्क, ये फॉर्मल सैल्यूटेशन मार्क है. माय डियर व्यूअर्स, एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप डियर सर और डियर मैम तभी यूज करते हैं जब आप उस पर्सन को नहीं जानते जिसको आप ईमेल भेज रहे हैं. सो यू ऑलवेज यूज डियर सर या फिर डियर मैम. लेकिन अगर आप किसी पर्सन को जानते हो जिसको आप ईमेल भेज रहे हो, तब आप उस केस में लिखते हैं मिस्टर शर्मा या डियर मिस्टर शर्मा, डियर मिस शर्मा या फिर डियर मिस राखी, आप इस तरह से लिखते हो. सो मिस्टर, मिसेस एंड मिस जो है ये सैल्यूटेशन मार्क कब आएंगे, जब आप किसी पर्सन को जानते हो. और डियर सर, डियर मैम कब आएंगे, जब आप उस पर्सन को नहीं जानते हो टू हूम यू आर सेंडिंग योर ईमेल लेटर. ओके, सो दिस इज अ फॉर्मल सैल्यूटेशन मार्क. अब आते हैं इनफॉर्मल सैल्यूटेशन मार्क में, इट इज हाय, हेलो. तो इनफॉर्मल सैल्यूटेशन मार्क हम कब यूज करते हैं, हम तब यूज करते हैं जब हम अपना ईमेल लेटर अपने क्लोज फ्रेंड्स को, क्लोज रिलेटिव्स को, फैमिली मेंबर्स को भेजते हैं. सो इन इनफॉर्मल सैल्यूटेशन मार्क यू आर फ्री टू यूज एनी सैल्यूटेशन मार्क ऑफ योर चॉइस, बिकॉज इट इज योर फ्रेंड, इट इज योर फैमिली मेंबर्स. ओके, नाउ आते हैं कंटेंट पे. जब हम कंटेंट लिखते हैं तो सी, हम स्टार्ट करते हैं आई एम से. आई एम, इफ यू आर व्हाट वी से सबमिटिंग एन एप्लीकेशन, तो आप क्या कहेंगे, आई एम सबमिटिंग एन एप्लीकेशन. ठीक है, नाउ अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी है तो आप कैसे लिखेंगे, माय नेम इज राखी एंड आई वांट टू डू द इंक्वायरी रिगार्डिंग द फिलिप्स जूसर. ठीक है,
जब आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे कंटेंट को? दैट मीन यू विल से आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एनसीए, आई एम अ स्टूडेंट studying in so and so university and I am pursuing my NCA and I want to ask the question regarding the PISTA program. ठीक है, तो आप उस समय इस question जब पूछेंगे तो आप ये लिखेंगे. उसके बाद complaint तो आप क्या कहेंगे? My name is Raghi and I want to do the complaint regarding the BSNL broadband connection. तो ये आपका हो गया content की starting की line. Okay, जब आप email कर रहे हैं अपने boss को जिनसे आप रेगुलर कांटेक्ट में हैं वाया ईमेल, तब उस समय आप जब ग्रीट करोगे अपने बॉस को या अपने प्रोफेसर्स को, जिन भी लोगों के साथ आप रेगुलर कांटेक्ट में हो ईमेल के, जिनको आप हर दो घंटे के अंदर ईमेल करते हो, उस कंडीशन के अंदर आप क्या लिखेंगे? डियर सर और डियर मैम, कुछ भी, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या गुड नून. ठीक है, और उसके बाद आप अपना ईमेल लेटर स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, so this was all about the salutation mark which you will be doing formally or informally by sending your email letter. Okay, now coming to the last part of the email letter, which is how to end a letter. किस तरह से हम letter को end करें? So letter को end करने के लिए हम use करते हैं complimentary closing को. Okay, so see, जब आप जो ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होती है, एक तरह से फॉर्मल वे में होती है. ओके, तो दो तरह से फॉर्मल वे में होती है. पहला फॉर्मल वे है ये है कि इफ अगर आप ये यूज करेंगे थैंकिंग यू, योर नेम, योर एड्रेस, योर फोन और ईमेल, तो ये वाला जो फॉर्मेट है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग का, ये आप तब यूज करेंगे जब आप किसी पर्सन को नहीं जानते हो जिसको आप ईमेल भेज रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डूइंग एन इंक्वायरी रिगार्डिंग अ फिलिप्स जूसर, अगर आपको इंक्वायरी करनी है फिलिप्स जूसर की, तो आप नहीं जानते कि ये ईमेल उस कंपनी में किस पर्सन के पास जाएगा, उस केस में यू विल बी यूजिंग दिस फॉर्मेट. ओके, व्हेन यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन रिगार्डिंग अ विस्टा प्रोग्राम, देन ऑल्सो यू विल बी यूजिंग दिस फॉर्मेट, बिकॉज यू डू नॉट नो, आपको नहीं पता कि मेरा ईमेल किसके पास जाएगा. सो दिस फॉर्मल कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग इज डन. ये कब की जाती है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग इस फॉर्मेट के अंदर? जब आप किसी पर्सन को नहीं जानते हो जिसको आप ईमेल भेज रहे हो. ओके, कमिंग टू दिस कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, रिस्पेक्टफुली योर्स ट्रूली सिंसियरली रिगार्ड्स, ये वाली कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग आप उन पर्सन के लिए करते हो जिनको आप जानते हो, या जो आपके बॉस है या प्रोफेसर है या कोई टीचर है या आपसे कोई बड़ा है. ओके, जिनको आप जानते हो. सो दिस फॉर्मल कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग इज फॉर दोज पर्सन टू हूम यू नो. ठीक है, रिस्पेक्टफुली योर्स ट्रूली सिंसियरली एंड रिगार्ड्स. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टिप्स how to write the email, and you should remember and you should be alert while writing the email to anyone, whether it is your boss, your professor, your teacher, anyone. So this was all about it, and it is me Raghi saying you all a goodbye now.